नमस्कार, इंडिया प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस की सफाई की, चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की ये दलील जायज है कि सीएजी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित को दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। और हम बात करेंगे क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस फ्लोर मैनेजमेंट में फेल रही है, क्यों कांग्रेस के संकटमोचक विपक्ष के ताल के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, और क्यों एक के बाद एक कांग्रेस ऐसे फैसले कर रही है जिससे पार्टी और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इंडिया प्राइम टाइम में ही आज हम बात करेंगे इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के उस बयान की जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री दोनों पर लचर रवैये का आरोप लगाया है। और हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस और यूपीए सरकार में वाकई तालमेल की कमी है, और क्या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच तालमेल नहीं होने की वजह से ही सरकार बड़े फैसले जल्द नहीं ले पा रही। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत और दो वरिष्ठ पत्रकार पंकज बोरा और केजी सुरेश। शुरुआत हरीश जी, आपसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्या वजह है कि आपको, आपकी पार्टी को इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, और वो भी ऐसी कि जिसमें जवाब दे पाना मुश्किल होता है। शीला दीक्षित जी का जो जवाब बचाव आप लोग कर रहे हैं, वो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि सही है। देखिए, 2004 में जब हम सत्ता में आए तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करें या जो उस समय की पूर्ववर्ती सरकार ने वादा किया है उससे अलग हटे। वो इतिहास है हरीश जी। अब सवाल ये है, आज देश ये जानना चाहता है कि कल तक आप येदुरप्पा का इस्तीफा मांगने वाली पार्टी शीला दीक्षित का इतना बचाव क्यों कर रही? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब जब स्थितियां जरा सा शांत हुई, संगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, जो जिसका दोष निकलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसकी संवैधानिक व्यवस्था है कि वो पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के काम को संसद अपने हाथ में नहीं ले सकती। जी हरीश जी, लेकिन लोकतंत्र में, लोक राज में कुछ नैतिकता, कुछ लोक का डर भी होता है। जी, यदि 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 निश्चित तौर पर आप ठीक बात कह रहे हैं, यदि सीएजी ने कहा होता कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की दोषी हैं, उन्होंने कहा होता कि अमुक स्कैम रुपये का घोटाला चीफ मिनिस्टर के दिशा निर्देश पर हुआ है, उनके फेलियर से हुआ है, ये एक सिस्टम का काम होता है। सिस्टम में कुछ चीजें ज्यादा खर्च हुई, कुछ गलत खर्च हुए, जो जो दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सिस्टम को वर्क करने दीजिए, काम करने दीजिए। पंकज वोरा, सीएजी के ताजा खुलासे से क्या इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ भी वही होगा जो ए राजा या फिर कलमाडी के साथ हुआ है? वो समझते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद जो है शीला दीक्षित की कंटिन्यूएशन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अनटेनेबल है जी। और आपने देखा होगा कि बृंदा करात ने, मिस्टर एबी बर्धन ने, इन सब ने शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग भी की है। और अब कांग्रेस पार्टी और सरकार इसको इस के ऊपर क्या निर्णय लेती है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट रिकवर कर रही है और अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाना होगा तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं होगा। पंकज वोरा, रही आप हमारे साथ। केजी सुरेश, आप सहमत हैं आप जो पंकज वोरा कह रहे हैं? देखिए, इस देश में बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग जब करप्शन की बात करते हैं, ये जो दोनों पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, बाकी पार्टियां तो अपनी जगह है ही, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं जी। देखिए, सीएजी के रिपोर्ट को पीएसी में जाना चाहिए और पीएसी क्या कहेगी तब फैसला लेंगे। कोई कहता है कि लोकायुक्त का जब तक चार्जशीट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो एस्पेक्ट इस बार का करप्शन के आप पूरे इस पूरे प्रकरण में देखेंगे कि तुम्हारा करप्शन मेरा करप्शन, करप्शन ओवरऑल नहीं देखा जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं। अरे आपने तो ये किया था, अब जैसे हरीश रावत साहब कहते हैं अटल जी के जमाने में ये हुआ था, वहां ये हुआ था, वहां तो नहीं किया तो हम क्यों करें।
अरे आप अपने लिए, आप पूरे देश के सामने कोई आदर्श रखेंगे? अगर आप अलग अलग पार्टी हैं, आपके अलग अलग विचारधारा है, आपका अलग सोच है, आप उनसे भिन्न हैं, तो आप तो कोई ना कोई एक नया दिखाइए ना कुछ करके। वो क्यों नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन का, यहां तो एक दूसरे पर। अब ये पीएससी चला जाएगा, क्या गारंटी है कि जो जोशी जी का 2G स्कैम पर जो नहीं आया वैसे ही इस पर नहीं होगा राजनीति? तो क्या पीएससी कोई गारंटी है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भले CWG कॉमनवेल्थ का खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल बढ़िया रहा हो, लेकिन सारी दुनिया के सामने था कि उसमें घपला हुआ है, तो पीएससी का इंतजार क्यों? कार्रवाई अभी से ही क्यों नहीं शुरू होता? देखिए सुरेश, आप मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा ये है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रही है, आपने भी एक सवाल खड़ा किया, जो कुछ हमने पहले देखा था जो उस वक्त पीएससी में जिस तरह से हंगामा हुआ मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट पर, क्या गारंटी है कि अब नहीं होगा? और जिस तरह से कांग्रेस बार बार 13 मेरा की बात कर रही है और कोई अलग नीति या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा क्यों है? नहीं देखिए, आप देखेंगे 2004 में जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी, एक नया रोल मॉडल रखा गया देश के सामने, गवर्नेंस एक तरफ और पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरफ। यह पहली बार देश के इतिहास में हुआ था, इसका कई स्वागत भी किया खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उन्होंने कह दिया कि भाई गवर्नेंस अपनी जगह चलता रहेगा, राजनीति अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम तो हमने देखे जी। लेकिन हम आज उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी देख रहे हैं, जहां जिसके पास अधिकार है वो जवाबदेह नहीं है और जो जवाबदेह है उसके पास अधिकार नहीं है। अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल पावर की बात है जी। आज राष्ट्र की जो नेतृत्व है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो अथॉरिटी है, जो कैबिनेट का अथॉरिटी है, आज वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में जहां पहले जो होता था, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, वाजपेयी रहे हो, या कोई भी सरकार पिछले रहे हो, कांग्रेस की सरकार है इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में रहे हो, वहां पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट लीडरशिप एक हाथ में था, इसलिए फैसला लेना आसान था। आज जैसे कह रहे हैं कि अब सोनिया जी वहां से आएंगी तब जाके एक फैसला होगा, क्यों? इसका वजह है ये जो डिविजन और पावर जो है, ये पूरा एक सिस्टम जो है वो भारत जैसे एक मुल्क के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसका दुष्परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है, जहां कोई भी फैसला ले नहीं पा रही है जो गवर्नमेंट लीडरशिप है जी, कोई भी फैसला नहीं ले पा रही गवर्नमेंट लीडरशिप जी। केजी सुरेश साहब, लोक संस्कार का नया पैमाना बताया हमें हरीश रावत साहब ने, आपकी टिप्पणी। नहीं बिल्कुल, वो अन्ना हजारे साहब ने इसका जवाब दिया है जी। उन्होंने कहा है कि मेरा जैसा व्यक्ति तो सिस्टम में मैं कभी जीत ही नहीं सकता, जिस तरीके का हमारा सिस्टम है। उनसे पूछा गया आप चुनाव लड़ते क्यों नहीं है, कहते कि मैं चुनाव में मैं अपना इवन जो डिपॉजिट है उसको मैं, वो जब्त हो जाएगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं शराब नहीं बंटवा पाऊंगा, मैं पैसे नहीं बंटवा पाऊंगा। सुरेश जी, मैं आपसे एक सवाल करूं फिर जी। सुरेश जी जी, मैं आपसे एक सवाल करूं जी, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अन्ना हजारे जी को भी ये सजेस्ट करने जा रहे हैं कि वो इस सिस्टम को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बदलें, संसदीय लोकतंत्र को बदल दें? नहीं, सवाल वो नहीं है, जो कमियां हैं, जो कमियां हैं सिस्टम में उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो मनी पावर मसल पावर आज इतना उसके लिए भारी पड़ गया, हावी हो गया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उसी के लिए जो सुझाव आए हैं समय समय पर रिएक्ट किए हैं। इस समय पार्लियामेंट के सामने 3 ऐसे बिल पड़े हुए हैं जो बिल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से लेकर के दूसरी चीजों को डील करेंगे। हम उसके कानून को सख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकपाल विधेयक को लाया गया है, लोकपाल विधेयक को कोई कमजोर पहल कह रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। जिसके दायरे के अंदर सारे मंत्री हों, जिसके अंदर सारे क्लास वन ऑफिसर्स हों, जिसके दायरे के अंदर पार्लियामेंटेरियंस हों, वो बिल कमजोर कैसे है? जो बिल जो लोकपाल स्वयं कॉग्निजेंस ले सकता है, सजा निर्धारित कर सकता है, उसको वो कमजोर बता रहे हैं। ये सब समय समय पर आए हुए सुधार हैं और इलेक्टोरल सुधारों की तरफ हम कदम उठा रहे हैं। न्याय मंत्री जी ने कहा इस बात को। फिलहाल इंडिया प्राइम टाइम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 9 बजे कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।